हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, और अगर जिसने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल चलें, सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल। वैसे तो फिजा, आप जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कल का व्लॉग, फिजा तो घूमने फिरने में लगी हुई है अभी। इंजर झील होके आई है, कर लीजिए। झूठ एकदम बर्फ झूठ। आपने व्लॉग देख लिया? मैंने व्लॉग में मैं लिख नहीं पाई, मैंने अपने स्टेटस पे लिख दिया था कि जब हमारे पर आ जाएंगे तो दिन जाया ही होगा। अरे इनका यार, दिन जाया की बात नहीं, ऐसी बातें नहीं किया करो। मैं मेरा तो कभी कभी दिल करता है सोचिए। बीवियों को जबान काट दे। अरे अरे वाह, गुड आइडिया, बीवियों की जबान तो काटी देनी चाहिए। जी, आज जो है रिश्वत जारी है लाहौर, तो हम जा रहे हैं वीकेंड स्टेशन को ड्रॉप करने के लिए। मिलते हैं हम आपसे वीकेंड स्टेशन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं कैंट स्टेशन। बिल्कुल, हम मिलते हैं अलिशबा वालों से, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है क्या नहीं। रश तो ऐसा है जैसे आज ही सारे आवाम जा रही है, बहुत ज़्यादा रश है स्टेशन पे। कहाँ जा रही हो आप? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहे हो? लाहौर जा रहे हो? कौन सी ट्रेन में? कौन सी? गरम गरम में। रश ऐसा है कैंट स्टेशन पे जैसे सब आज ही कहीं जा रहे हैं। बेगम खड़ी हुई है लेकिन एक इंसिडेंट हो गया। तो गाइस, हम आ चुके हैं कैंट स्टेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलिशबा को छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक सीन हो गया है कि इनकी ट्रेन लेट हो गई। मैंने इसे पहले ही बोला था कि देर से जाना, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं ना। दरअसल ये खड़ी हुई मैडम इंतजार अभी अच्छे बच्चे तक इंतजार ही करती रहेगी। एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कला करम 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 में जा रहे हैं। ये सीन जैसा हुआ है, लोग ही तस्वीरें ख़त्म नहीं हो रही। सो गाइस, ट्रेन तो आ चुकी है, पीछे खड़ी है करा करम, लेकिन इसको अभी वॉश होगी और प्लेटफॉर्म में आने पे 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। जब तक के लिए हम इधर ही पार होंगे। बिल्कुल, 6 बजे तक हम यहीं पर हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम भी आपके साथ बने हुए हैं। बंदे नहीं, बने 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 बने। सो गाइस, अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, ट्रेन के चलने का। खड़ी भी तो है बेचारी ट्रेन, लेकिन हम ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आज भी। मालूम है तेरे बाप को? मत सिखा मोहर्रम में। वैसे भी मोहर्रम में थोड़ी बहुत गर्मी तो होती ही है। मंडे से जो है वो मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। यार मैं टीचर भी हूँ एक, तो ये भी मसला है। तो मैं स्कूल जाऊंगी, दिखाऊंगी आपको व्लॉग में थोड़ा बहुत अगर हो सका तो, और ये बेचारे घर में बैठ के आराम कर सकती। मैं फेंक नहीं रही, मैं सच बता रही हूँ। जी जी, और लेडीज कहाँ फेंकती है, जेंट्स फेंकते हैं। मैं स्कूल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी सुबह मॉर्निंग रूटीन मेरी की क्या होगी। मैं कितने बजे, वैसे मैं 5 मिनट पहले उठती हूँ, और अगर सर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो सर को भी आज पता चल जाएगा कि मैं इसीलिए लेट हो जाती हूँ। मौसम अचानक बहुत प्यारा हो गया, बारिश वाला हो गया, उस तरफ से पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, और हम कैंट पे ही हैं। वो देखें, आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक 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 आउट हो गया। सो गाइस, मौसम बड़ा आला हो रहा है और टाइम फारी वाला हो रहा है। बिल्कुल, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया। इस वक्त हम सो रहा है क्योंकि सारे बारिश हो रही है। और जी, मैं इनकी बोली हूँ सीधी ले चले, हम ये पता नहीं ले जाते हैं नहीं लेकर जाते हैं। मूड मूड ही बनता तो है, अपनी मर्जी होगी तो हमें चांद से भी ले जाएंगे, नहीं मर्जी होगी तो जमीन पे पटते रहने देंगे। चलो, इन्होंने माना तो सही कि हम ख्याल रखने वालों में से। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। चांद कौन सा चांद लाएंगे? कोई शोपीस लाएंगे चांद का, अस्सी वाला थोड़े ला रहे हैं। चले देखते हैं। मीरा और हादी बहुत एक्साइटेड है,
आदि लाहौर जाके याद करोगे मुझे? कौन सी ट्रेन में जा रहे हो? कौन सी में आदि? ग्रीन लाइन में। ग्रीन लाइन में जा रहे हो? करम करम में नहीं जा रहे? इंतजार की हद हो गई, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगी, कब लगेगी स्टेशन पे ट्रेन, देखते हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस इधर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब लगेगी ट्रेन। गरम गरम चला गरम, हालत ख़राब हो गई बैठे बैठे, मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है, हमें बाद में सीबीयू भी जाना था। ये लोग भी बैठे हुए इधर इंतजार कर, अभी देखते हैं आगे का क्या सीन है क्या नहीं है। तो गाइस फाइनली इनकी ट्रेन आ गई है और अब अलविदाई सलाम है इन लोगों को। तो गाइस फाइनली 3.5 घंटे के बाद इनकी ट्रेन आ गई है। हम जा तो नहीं रहे लेकिन हमने सोचा कि ना ट्रेन में बैठ के थोड़ी हवा ही खा लें, वैसे मेरा बहुत दिल चाह रहा है जाने का, लेकिन हम जाएंगे इंशाल्लाह नारायण कावन घूमने। इंशाल्लाह आप लोग दुआओं से। हम पहले जा चुके हैं लेकिन जब तक हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, अगर हम जाते तो हम आपको दिखाते कि हमारा टूर कैसा रहा। चलें तो जी चलते हैं, आप देखते हैं यहाँ घर जाते हैं कहाँ, चलते हैं आपसे जहाँ भी जा रहे हैं। बाय। तो फाइनली अलीजा और माजिद फाइनली ट्रेन चल चुकी है और हम लोग निकलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है और रात भी बहुत हो गई है। तकरीबन 7:30 बजे इनकी ट्रेन यहाँ से निकली है। भाई बात सीधी सीधी ये है कि ये मुझे सीबीयू नहीं लेकर जा रहे हैं, बस बात ये है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आ गए हैं घर जी, बिल्कुल थक हार के आखिरकार 3.5 घंटे लेट ट्रेन को हम छोड़ के आ चुके हैं। अल्लाह पाक रेलवे वालों को हिदायत दे कि इतने मुसाफिर ख्वार हुए, इतने मुसाफिर ख्वार हुए हैं, बस लेडीज बच्चे जेंट्स बुजुर्ग सब 3.5 घंटे लेट ट्रेन है, लेकिन फिर भी मेरी रब से अल्लाह पाक से यही दुआ है, जो बंदे सफ़र में हैं, जो सफ़र कर रहे हैं और जो सफ़र पर जाने वाले हैं, अल्लाह उनको साथ खैरियत से उनके मकाम पर पहुँचाए, आमीन। जैसे मैंने अभी दुआ मांगी मुसाफिरों के लिए, ऐसे आप लोग भी मेरे लिए दुआ मांगे कि अल्लाह पाक मुझे इस शर से बचाए, इस चुड़ैल से बचाए। मैं आप लोग से ये बोलती हूँ कि आप लोग दुआ करें कि इंसान मिल जाए, हैं अच्छे हैं, अच्छे हैं, इतने से अच्छे हैं, सलाद रेडी हो चुका है, रायता वाला, अब रह गया है कबाब फ्राई करने के पास, ये लोग जो है ना बीवी को ऐसे ही समझते हैं, इनको नहीं पता वहाँ से आके कितनी थकी हुई, ये भी थके हुए हैं लेकिन सोफे पे आराम चल रहा है, हम तो फिर भी खाना वाना बना के इनको खाना भी खिलाएंगे। अभी ये जैसे इन्होंने बोला मैंने सुना, तो हम भी बहुत थक गए हैं, हम भी अपनी जगह बहुत सारे काम करते हैं, ये अनोखी थोड़ी काम करनी है। क्या काम करना जरा पूछ रहे हैं? जब देखो थकी हुई, जब देखो बीमार, जब देखो जो मसला हमेशा मसला, बीच में ना बोल, थक गई इनको साथ लेके जाते हैं सोखने में, सोखने में थक गई बेचारी। मैं तो थक गई भाई साहब। चले देखते हैं क्या बनाती है, कैसा बनाती है, खा के चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे। सो गाइस इधर हमारा बन चुका है खाना, इधर देखा मेरी पूरी, ये हमारा खाना है, ये कबाब फ्राई किए इसने, ये रायता बनाया। सो अब खाते हैं और देखते हैं कैसा बना है कैसा नहीं, और आपको बताते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त तो बड़ा प्यारा गला हुआ है, अब ट्राई करते हैं। बहुत आला मन, मज़ा आ गया, चीज़ बढ़िया है। सो फ्रेंड्स सारे काम हो गए, खाना भी खा लिया और घूम कर भी आ गए, लिशबा को स्टेशन भी छोड़ दिया, अयूब जो है वो गए हैं ज़रा बाहर मामूल के मुताबिक, सुनना तो है ही नहीं, बात तो सही है। कोई बात नहीं, चलो हो गया जो होना था, कल देखते हैं। हमारे घर के बाहर जो है वो गली में हलीम बन रहा है, अब बनता है या नहीं बनता ये भी नहीं पता,
बन गया तो हम आपको ज़रूर व्लॉग में दिखाएंगे, नहीं बना तो कुछ कह नहीं सकते, हम कहीं और चले जाएंगे। सो जी मिलते हैं कल अनदर व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।